जो कि अभी शाम में तो इतना खतरनाक दिख रहा है। देखो सीन भूत वाला हॉरर मूवी का शूट तो यही करना चाहिए, क्यों चाचा? और देख सकते हैं कितना डरावना एरिया है पूरा। कोई है, कोई है। आज हम लोग मम्मी के काम से, मतलब मम्मी कुछ लाने बोली है गांव साइड से, वही जंगल साइड से, तो अभी उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं चाचा और मैं। चाचा सामने जा रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, और चलते हैं। मम्मी शायद अचार बनाएगी शायद इसीलिए। अच्छा पहली बात तो हम लोग लेने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं और चाचा को दिखाता हूँ। सामने सामने जा रहे हैं चाचा, चाचा आगे आगे जा रहे हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं, और हम लोग अभी जा रहे हैं साइकिल में चाचा और मैं। और पानी भी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, लगता है हम लोग भीगने वाले हैं क्योंकि अभी बहुत ही मोटा बूंद गिर रहा है, हालांकि फोन में तो दिख नहीं रहा है। तो जल्दी चलते हैं, मेरे को तो लग रहा है आते आते हम लोग भीग ही जाएंगे, फोन को भी बचाना पड़ेगा, और जल्दी चलते हैं। बहुत ही ज्यादा पानी आ रहा था, इसलिए हम लोग कहीं दुकान के बगल में यहाँ खड़े हो गए, थोड़ा पानी के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। पानी परेशान कर दे रहा है आज तो, और काफी दूर आ गए, वापस घर भी नहीं जा सकते, नहीं तो वापस जाते ही भीग जाएंगे, इसलिए पानी के लिए रुकना ही पड़ेगा। लगे हैं दुकान चॉकलेट वॉकलेट खरीदने का ही, कि थोड़ा दूर जा रहे हैं तो। बहुत ही ज्यादा पानी गिर रहा है, इसमें तो दिख नहीं रहा कैमरा में। गाइस हम लोग ओ डैम का शूट यहाँ पर किए थे, इस वाले ग्राउंड में, और वहाँ सामने आगे रोड में, जो रोड में चल रहे थे वो वहाँ नहीं थे, और फोटो शूट गए थे वहीं हम लोग अभी जा रहे हैं। गाइस आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, मैं तो पूरा भीग गया हूँ, और छोटा छोटा बूंद ही गिर रहा है, उतना दूर से आते आते उतना में ही हम लोग भीग गए हैं। चाचा तो बहुत ही स्पीड चला रहे हैं, आगे चले गए हैं, मैं भी चलता हूँ जल्दी से, फोन भी भींग रहे, इसलिए फोन को भी रख लेता हूँ पॉकेट में। Few moments later. गाइस अभी हम लोग तोड़ रहे हैं, और दो तीन ठू तोड़ लिए झोला में, सात आठ ठू लेके जाएंगे, तो जल्दी तोड़ते हैं। और पानी भी बहुत ही ज्यादा गिर रहा है, हम लोग पूरा पूरा भींग गए हैं, और हम लोग फोटो शूट यहाँ पर आए थे। अभी चाचा बोल रहे हैं कि यहाँ तो नहीं है, आगे चलते हैं। रात के समय कितना डर लगता होगा यहाँ, जो कि अभी शाम में तो इतना खतरनाक दिख रहा है। देखो सीन भूत वाला हॉरर मूवी का शूट तो यही करना चाहिए, क्यों चाचा? यहाँ हीरोइन या हीरो जो भी एक्टिंग करते रहेगा उसका, वो डर के मारे हिल जाएगा। ठंड भी लग रहा है गाइस बहुत ही ज्यादा, पानी में हम लोग भींग गए हैं, उतना भी ज्यादा नहीं भींगे हैं लेकिन भींग हैं, सर्दी पकड़ सकता है मेरे को लग रहा है, बस मम्मी का डांट नहीं पड़ना चाहिए। क्यों चाचा है? तो गाइस जल्दी से तोड़ते हैं हम लोग भी, फिर वापस चलते हैं घर, क्योंकि शाम भी हो रहा है और ये जंगल भी है, तो जंगल में रुकना सही नहीं है, क्यों चाचा? और गाइस यहाँ तो पहले से ही कोई तोड़ लिया है, भी नहीं मिल रहा है, खोजना पड़ रहा है बहुत, एक ठो झुंड में खाली एक ठो मिल रहा है, ऐसा हो गया, नहीं तो वो भी नहीं मिल रहा है। और गाइस किसका किसका स्कूल, मतलब जो भी स्कूल में पढ़ते हैं उनका स्कूल कॉलेज या जो भी खुल गया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे स्कूल का तो ऑनलाइन चल रहा था अभी तक, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद स्कूल बुला रहे हैं, ऑनलाइन होगा। ए क्या बोल रहा, मैं भी ऑनलाइन पढ़ पढ़ के मैं भी भूल गया हूँ कि भाई स्कूल ऑफलाइन भी होता था। तो अभी हम लोग को भी ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्कूल बुला रहे हैं, तो जाना पड़ेगा। अभी कुछ ही दिनों में निकलते हैं, उसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगा, तो उसका उस व्लॉग के लिए भी आप इंतज़ार करिएगा। और हॉस्टल में भी हर संडे को व्लॉग बनाने का ट्राई करूंगा, तो उसको भी देखिएगा, और लाइक कमेंट भी करते रहिएगा, ताकि मेरे को भी अच्छा लगेगा, रिस्पॉन्स तो आ रहा है ऐसा लगेगा कहीं कहीं ऑडियंस से। तो कनेक्शन एक कनेक्शन टाइप का बना रहेगा, तो बस यही। चाचा को और तोड़ना है, चाचा बोल रहे हैं कि अचार भी बनाएंगे, अचार भी खाएंगे, तो उसके लिए और तोड़ना पड़ेगा अभी। तो जल्दी से चलते हैं उधर आगे साइड, वो तालाब साइड, फिर उधर देखते हैं उधर और है कि नहीं। मैं वही पानी वाले तालाब में आ गया हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं। चाचा वो ये चाचा खतरों के खिलाड़ी, देखिए कि अभी तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर पानी है, उस टाइम तो बहुत नीचे था, अभी कल परसों पानी गिरा है और आज भी पानी गिरा है, तो पूरा भर गया है पानी, नहीं तो इतना तो मैं पानी कभी देखा ही नहीं था इसमें, और बहुत ही ज़्यादा गड्ढा है। चाचा कैसे, डर नहीं लग रहा है? नहीं तो ए यार देखो जगह जगह ऐसे पानी बह रहा है, तालाब से आके यहाँ खुला कर दिए हैं ताकि बह सके पानी, और देख सकते हैं कितना डरावना एरिया है पूरा। कोई है, कोई है, वो वाला यहाँ डायलॉग हुआ था लग रहा है शूट। सेम वैसे ही जगह है क्या चाचा? गाइस अभी हम लोग ये तालाब के बगल साइड राइट साइड में आ गए हैं, और चाचा तो मुरुक इधर उधर बहुत घूम दे रहे हैं। जल्दी करो चाचा, देखो काफी अंधकार हो गया है। ये भी बताइएगा कि इस जगह में आप रात में अकेले रुक सकेंगे कि नहीं, देख सकते कैसे डरावना दिख रहा है, पूरा झुंझाड़ है, और इधर बहुत ही ज्यादा घना जंगल है। ये गाइस सांप का बिल है मेरे हिसाब से, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे को तो नहीं पता सांप का, उतना ज्ञान नहीं है भाई। सांप से डर लगता है उतना ज्ञान है। तो गाइस हम लोग यहाँ साइकिल छोड़ के गए थे उस तरफ, गाइस इतना ही तोड़ते हैं और चलते हैं। कुरकुरे भी लाए थे खाने के लिए, चाचा खरीदे थे, रास्ते में कहीं खाएंगे क्या? और एक बस खुकड़ी बस एक मिला बड़ा सा, इसी को लेके चलते हैं अभी। और गाइस जिसको भी यहाँ फोटो शूट डांस शूट करना है,
इस लोकेशन में जरूर आइएगा, लेकिन दिन के समय, रात के शाम के समय मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, दिन के समय आ सकते हैं, दिन के समय थोड़ा अच्छा रहता है। और बरसात के टाइम तो फिलहाल मत ही आइएगा, क्यों चाचा? यहाँ फालतू अपना कपड़ा का कबाड़ा करके जाएंगे यहाँ से, जो कि हम लोग का कपड़ा का कबाड़ा हो चुका है। गाइस देखिए कैसे है जंगल, और पानी में भरा हुआ दिखा रहा था, समझ कैमरा में समझ नहीं आ रहा उतना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भरा है। अगर पिछले ब्लॉग में एक बार जाके देखेंगे और इस ब्लॉग में आके देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना पानी भरा है। ये रहा जहाँ हम लोग फोटो शूट कर रहे थे ये, और हम लोग का फोटो नहीं देखें तो इंस्टाग्राम में है, आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा देता हूँ, जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोगों को तो कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं सड़क में, और ये कुरकुरा जो है इसको खाते हैं, उसके बाद चलते हैं। क्यों चाचा थक गए हैं कि नहीं? तो जल्दी इस खाते हैं, और पानी प्यास भी लग रहा है, अभी इसको खाने के बाद और भी ज़्यादा पानी प्यास लगेगा। तो गाइस आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो शेयर, और भी ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं ऐसी कोई अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।